दोस्तों नमस्कार। प्रेरणा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में सैंधव घाटी सभ्यता के बचे हुए स्थलों को खंगालने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए खंगालते हैं। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है गुरुजी? रोपड़। और रोपड़ में आपको तीन अक्षर याद रखना, रो प और ल। यहाँ पे सबसे पहले खोजकर्ता कौन है? तो रो से आप याद रखना कि घर में छोटी छोटी बातों पे या जल्दी कौन गुस्सा हो जाता है और रोने लग जाता है, तो याद रखोगे आप बीवी। बीवी है, जल्दी गुस्सा हो जाती है छोटी छोटी बातों पे और रोने लग जाती है। जब रोती है तो उसके मुंह या आंखें कैसी हो जाती है? लाल। तो बीवी लाल। खोजकर्ता, उसके बाद में जब बीवी रोती है तो आंसुओं की नदियां बहने लग जाती है। तो अगला याद रखोगे नदी। कौन सी नदी के किनारे में? तो नदी में आपको याद रखना है कि बीवी रोती कब है? जब उसे सताते हैं। तो सताने से याद रखना सतलज नदी। सतलज नदी के तट पर है रोपड़। और क्या आदमी बीवियों को सताते हैं या बीवी भी आदमी को सताती है? तो दोनों 50-50 है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को सताते हैं, कुछ पत्नियां ऐसी होती है जो अपने पतियों को सताते हैं। तो 50-50 है दोनों काम यहाँ पे। तो 50-50 से 1950 याद रखना, अर्थात इसका उत्खनन रोपड़ का कब किया गया? बीवी लाल द्वारा किया गया, 1950 में किया गया। पैसे आपको याद रखना है कि रोपड़ कहाँ है। पैसे आपको पंजाब याद रखना है, पंजाब। और पंजाब भी कौन सा? भारत वाला। तो पंजाब भारत में है रोपड़। और पढ़ फिर आपको याद रखना है, पढ़ से क्या याद रखना है कि अगर आप या कोई भी अपनी पति पत्नियों को ज़्यादा सताएंगे या उनको ज़्यादा परेशान करेंगे तो वो क्या कर सकती है, कह सकती है गुस्से में आकर के कि जा कुत्ते के साथ जाके पढ़ जा। तो आपको याद रखना है कुत्ते के साथ मानव के सवादान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहली बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मानव द्वारा मध्य पाषाण काल में हमने पढ़ा था प्रथम पालतू बनाया जानवर वो कौन सा था? कुत्ता। उससे पहले चलते हैं हम पुरापाषाण काल में। तो पुरापाषाण काल में आप याद रखना मानव द्वारा प्रयोग किया गया औजार क्या था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, कुत्ता। और धातु जिसका प्रयोग किया वो धातु कौन सी है? तांबा है गुरुजी। तो यहाँ पे कुत्ते के साथ मानव के सावधान के साक्ष सबसे पहले हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? तो सबसे पहले बात करें पाषाण काल में तो वो हुए हैं बुर्जोम से। कहाँ से? बुर्जोम से। लेकिन हम बात यहाँ पे कौन सी कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते के प्रथम सवादान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कैसे पता लगा। तो हम याद रखेंगे यहाँ पे तांबा, कि यहाँ से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। कुल्हाड़ी, उस कुल्हाड़ी से हमने खोद के देखा तो कुत्ते के साथ मानव के सवादान थे। और कुल्हाड़ी भी किसकी प्राप्त हुई है? तांबा की। तो तांबा की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? रोपड़ से। तो दो चीज़ है, कुत्ते के साथ मानव के सवादान के साक्ष और तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से। बीवी जल्दी रो पड़ती है लेकिन पति का कभी अहित नहीं सोचती। बिचारी पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, पूजा करती है। तो इससे आपको याद रखना उत्खनन, उत्खनन याद रखना। और उत्खनन मतलब पूजा पाठ करती है। तो यज्ञ दत्त शर्मा, क्या याद रखोगे? यज्ञ दत्त शर्मा। तो रोपड़ का जो उत्खनन किया वो किसके द्वारा किया गया? यज्ञ दत्त शर्मा द्वारा। कब किया गया? 1955-56 में। 1955-56 में रोपड़ का उत्खनन किया गया। तो ये था रोपड़। धोलावीरा एक बड़ा स्थल है, उसको थोड़ा लेट पढ़ेंगे। अगला जो स्थल है वो है
राखी गढ़ी, यहाँ पे राखी और गढ़ी, बस आपको एक ही अक्षर उठाना है राखी। और भारतीय इतिहास में राखी का बड़ा महत्व है, और मेवाड़ की महारानी ने भी राखी भेजी थी किसे? मुगलों को। मुगलों को, और मुगलों में भी किसको भेजी थी? हुमायूं को। तो राखी का संबंध किससे? मुगलों से या मुगल वंश से है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके जो खोजकर्ता है वो कौन है? रफीक मुगल, इन्होंने इसकी खोज की। खोज कब की? 1963 में खोज की गई। किसके द्वारा? राखी गढ़ी की, रफीक मुगल द्वारा। अब राखी कब आती है? राखी जब आती है जब हरियाली हुई होती है चारों ओर। तो हरियाली से आपको याद रखना है हरियाणा। क्या याद रखना है? हरियाणा। तो राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। अब हम बात करते हैं कौन सी नदी के किनारे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरि के पास कौन होती है? सरस्वती। कौन होती है? सरस्वती नदी, जो तो विलुप्त हो गई। तो वर्तमान में कौन सी नदी के किनारे है? दृश्य, दति नदी के किनारे। तो सरस्वती तो विलुप्त हो गई, तो अब कौन सी नदी के? दृश्यदति। दृश्यदति किसे कहा जाता है? वही सरस्वती को, अर्थात घग्गर नदी के किनारे। कौन सी? घग्गर नदी के किनारे, वर्तमान में वहाँ घग्गर नदी बहती है। इसी प्रकार अगर मान लो बहन राखी बांधती है भाई के, तो भाई उसे क्या देता है? लघु मुद्रा। लघु मुद्रा मतलब पैसे देता है, पर ऐसे तो नहीं कि लाख दो लाख देता है, मतलब कुछ। तो लघु मुद्रा, और वो भी विशेष होनी चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना कि लघु मुद्रा पर मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति तो क्या? देवी का चित्र मिला है। कहाँ से? राखी गढ़ी से। इसके अलावा याद रखना आप कि जब बहन को पैसे देते हैं तो बहन क्या कहती है? अमर रहे। भैया को क्या बोलती है? वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा भाई क्या रहे? अमर रहे। तो उत्खनन याद रखा को आप, और उत्खनन कौन सा है? अमरेंद्र नाथ। तो उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। कब किया गया? 1997-98 में। तो ये तो सत्य बात है कि बहन क्या मांगती है? भाई को अमर रहने का वरदान देती है, ठीक है। तो ये सत्य बात से आपको 97 याद रख लेना। इसके बाद में थोड़ा सा अगली जो स्थल है इसमें क्या क्या याद रखा हमने? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। कौन सी नदी? सरस्वती नदी के किनारे, जिसे दृश्यदति नदी भी कहते हैं। वर्तमान में वहाँ कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। इसकी खोजकर्ता कौन है? रफीक मुगल। खोज कब की गई? 1963 में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? लघु मुद्रा प्राप्त हुई जिस पर मातृ देवी का चित्र था। उत्खनन इसका किसने किया? अमरेंद्र नाथ द्वारा इसका उत्खनन किया गया। कब किया गया? 1997-98 में इसका उत्खनन हुआ। यहाँ से आप याद रखना कि राखी गढ़ी भारत का दूसरा बड़ा स्थल है, दूसरा बड़ा स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अमखें धोलावीरा के बाद में कौन सा है? राखी गढ़ी का दूसरा स्थल। राखी गढ़ी में जो मकान प्राप्त हुए हैं, मकान, उनमें पत्थर का प्रयोग भी हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? पत्थर के प्रयोग के साक्ष्य भी हमें राखी गढ़ी से प्राप्त हुए हैं। राखी गढ़ी से लगभग 70 सवाधान प्राप्त हुए हैं। सवाधान, उन 70 सवाधानों में से एक सवाधान ऐसा था जिसे प्रेमी युगल का सवाधान कहते हैं। सवाधान कहते हैं किसका? तो ऐसे प्रश्न आता है प्रेमी युगल का सवाधान कहाँ से मिला है? तो राखी गढ़ी से। अब आपको राखी में याद रखना कि राखी प्रेम, बहन भाई के प्यार का प्रतीक है। तो यहाँ से प्रेमी का मतलब दे दिया, हो सकता है वो भाई बहन भी होंगे, ऐसे क्या पता उस समय किसने देखा था, बस नाम दे दिया।
रुचि प्रेमी युगल क्यों कहा गया इसे, कि जो यहाँ समाधान मिले हैं वो कैसा है, युगल समाधान मतलब दो, एक स्त्री और एक पुरुष का है, और उसमें जो कंकाल है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, इसीलिए उसे कहा गया प्रेमी युगल समाधान। तो ये राखी गढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में, ऐसे याद रख लेना। अगला जो स्थल है रंगपुर, रंगपुर में आपको एक अच्छी चीज़ जो याद करनी है सबसे बढ़िया, वो ये है कि रंगपुर को सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का ओरस पुत्र कहते हैं, ओरस पुत्र कहते हैं। तो रंगपुर को सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा जाता है, ओरस पुत्र। अब आप याद रखो कि जो पुत्र होता है उसका रंग चाहे कैसा भी हो, उसकी माँ के लिए क्या होता है, वो अहम होता है, ठीक है। वो प्राचीन काल में महाभारत देखते हैं तो उसके पुत्र को वो अपनी माँ क्या नाम से पुकारती थी, वत्स। तो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कच्ची ईंटों के मकान में रहता हो, चाहे वो कच्ची ईंटों के मकान में रहता हो, चाहे वो धान की भूसी का काम करता हो, का काम करता हो, लेकिन उसके माँ बाप तो उसे क्या कहेंगे, वत्स। क्या कहेंगे, वत्स। तो ऐसे याद रखोगे तो रंगपुर याद हो जाएगी। माँ से आपको याद रखना है मादर नदी, मादर नदी के किनारे। अहम से अहमदाबाद याद रखोगे, और अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में। और वत्स से याद रखोगे माधो स्वरूप, माधो स्वरूप वत्स याद रखोगे। रंगपुर की खोज किसने की थी, माधो स्वरूप वत्स द्वारा की गई। और रंगपुर की खोज कब की गई, तो याद रखना 1931 में की गई। कच्ची ईंटों से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है गुरुजी, कच्ची ईंटों से। तो कच्ची ईंटों से आपको कि कच्ची ईंटों के दुर्ग या मकान कहाँ से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा की तरह रंगपुर से भी कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबकि इसका अगर उत्खनन की बात करें, उत्खनन कार्य वो किया गया था आरएस बिष्ट द्वारा। तो ये स्थल है रंगपुर। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर, रंगपुर कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे, मादर नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है, माधो स्वरूप वत्स 1931 में। उत्खनन किसके द्वारा किया गया, आरएस बिष्ट द्वारा किया गया। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, कच्ची ईंटों के दुर्ग और धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई, रंगपुर से। रंगपुर को सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा जाता है, ओरस पुत्र कहा जाता है। तो ये रंगपुर। अगला जो स्थल है वो है सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। सुर से आपको याद रखना है सुर और असुर। सुर यानी होता है देव, देव मतलब देवता, और असुर वो राक्षस। तो सुर से आपको याद रखना है, यहाँ से देवता जब भी आते हैं तो उसको देख करके सब क्या हो जाते हैं, जग जाते हैं। और जग कब जाते हैं, रात में ही जग जाते हैं। तो देख करके जग जाते हैं, और कब जग जाते हैं, रात को ही जग जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या याद रखना है, देवता होते हैं वो घोड़े पर बैठ के आते हैं। किस पर, घोड़े पर। देवता के पास घोड़ा होता था, वो उड़ता था, जैसे भगवान सूर्य का रथ आदि। इसी के अलावा आगे याद रखना कि ये न्याय करते थे, न्याय। और न्याय से क्या याद रखना, न्याय मतलब इनका न्याय बहुत अच्छा था। और न्याय का प्रतीक क्या है, तराजू, ऐसे याद ना। तराजू कहाँ पाई जाती है, दुकानों में, दुकानों में, ये चीज़।
अगर आप सुरकोटड़ा में ऐसे याद रखते हैं, सुर सुर यानी देव, देव जब भी भगवान आते हैं तो बस भगवान को देख करके सब जग जाते हैं। तो जगपति जोशी, खोजकर्ता कौन है? जगपत जोशी ने खोज की थी किसकी? सुरकोटड़े की। रात से आपको याद रखना है गुजरात, सुरकोटड़ा कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ से घोड़े के क्या मिले हैं? घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तराजू के दो पलड़े यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और दुकानों से आपको याद रखना, यहाँ से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्थल कौन सा? सुरकोटड़ा। सुरकोटड़े खोजकर्ता कौन? जगपति जोशी। कहाँ स्थित है? गुजरात में। और यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर, तराजू के पड़ले और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुए। साहब घोड़े के अस्थि पंजर मिले, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े को नहीं जानते थे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। तो हो सकता है जो घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं वो अंतिम चरणों में, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम चरणों के हो सकते हैं, इसीलिए वो घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन अगर घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले तो याद रखना सुरकोटड़े से मिले हैं। आज का या सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम जो महत्वपूर्ण स्थल, अंतिम स्थल है, उसका नाम है धोलावीरा। धोला से आपको याद रखना है सफेद, क्या याद रखना है? सफेद। और सफेद कौन होता है? अंग्रेज। और अंग्रेज एक खेल खेलते, कौन सा खेल? खेल होता उनका क्रिकेट, क्रिकेट। और कुछ भाई तो आज भी क्रिकेट के इतने दीवाने हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, सारे दिन क्रिकेट के बारे में सोचते रहते हैं, ट्रॉफी करवाओ, क्रिकेट करवाओ, खेलना है ऐसे। तो एक भाई क्रिकेट का इतना दीवाना था, ऐसे आप याद रखोगे कि एक बीरा यानी एक भाई था, वो क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा दीवाना था। रात में वो जग गया क्योंकि उसका जो मन था उसके संग नहीं था, मन संग नहीं था, तो जग के उसने सोचा कि यार क्रिकेट की प्लानिंग करते हैं। तो वो रात में ही किसके पास गया? अपने मित्र रवि के पास। और रवि से जाके बोला क्रिकेट प्रतियोगिता करवानी है यार। तो रवि कहता है स्टेडियम कहाँ है, स्टेडियम कहाँ है? तो वो कहता है इसीलिए तेरे पास आया हूँ, स्टेडियम बनाते हैं। वो कहे कहाँ बनाएगा? कि अपना जो नगर है उसमें तीन टीले हैं। कितने टीले हैं? तीन टीले हैं। उन टीलों में से जो सबसे पश्चिमी टीला है ये सबसे पूर्वी टीला है और ये मध्यमा है। तो मध्यमा और पश्चिम के बीच में कुछ जगह खाली है, वहाँ पे स्टेडियम बना लेते हैं। वो कहता है ये बात तो सही है, तो पहले यहाँ तक देखते हैं धोलावीरा। तो रात से आपको क्या याद रखना है? धोलावीरा कहाँ है? गुजरात। तो रात से गुजरात में, गुजरात में भी कहाँ पे हैं? तो भचाऊ तालुका गुजरात में, भचाऊ तालुका गुजरात में है धोलावीरा। जग से याद रखना है खोजकर्ता, तो जगपति जोशी याद रखना है। और जगपति जोशी ने धोलावीरा की खोज 1967-68 में की थी और ये मनहर / मनसर नदी या नाले के संगम पर है। तो ये वास्तव में नाले हैं पर कहीं किताबों में नदी भी मिलेंगे। तो मनहर या मनसर नदी के संगम पर है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसके जो खोजकर्ता है वो जगपति जोशी है। नदी का नाम है मनहर या मानसर नदी, मानसर भी बोलते हैं, या मनसर नदी या नाले के संगम पर।
और इसका जो उत्खनन उत्खनन करता है वो है रविंदर सिंह बिष्ट। और रविंदर सिंह बिष्ट ने इनका उत्खनन 1991-92 में किया था। तो रविंदर सिंह बिष्ट ने उत्खनन कब किया? 1991-92 में। इसके बाद में देखते हैं कि धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से तीन टीले प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सभी जगह से दो टीले प्राप्त हुए हैं, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला। लेकिन यहाँ पे पूर्व पश्चिमी और पूर्वी के बीच में एक मध्यम टीला भी प्राप्त हुआ है। आप याद रखना कि जो पश्चिमी टीला था वो तो दुर्गीकृत था, इसलिए इसे दुर्ग टीला कहते थे। क्या कहते थे इसे? दुर्ग टीला। यहाँ कौन रहता? पुरोहित रहता। तो यहाँ पुरोहित वर्ग या सामान्य प्रशासनिक जन सामान्य लोग नहीं रहते, प्रशासनिक लोग रहते थे। मध्यम टीले में आप याद रखना व्यापारिक लोग रहते थे, व्यापारिक लोग निवास करते थे। और पूर्वी टीले में जन सामान्य निवास करता था, सामान्य लोग निवास करते थे। ये व्यापारिक टीला कहलाता है, व्यापारिक टीला भी इसे कह सकते हैं, जबकि इसे नगर टीला कहते हैं। कौन सा टीला कहते हैं? नगर टीला की संज्ञा दी जाती है। निचला टीला, ऊपरी टीला, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, ये मध्यमा। तो एकमात्र स्थल जहाँ से मध्यमा प्राप्त हुआ है धोलावीरा। एकमात्र स्थल जहाँ से तीन टीले प्राप्त हुआ है धोलावीरा। वो कहता है चलो स्टेडियम तो बना लेंगे, कोई बात नहीं। स्टेडियम कहाँ प्राप्त हुआ है? पश्चिमी और मध्यमा के बीच में स्टेडियम तो बना लिया, पर पानी कहाँ से लेके आएगा दोब लगाने के लिए? तो वो कहता है कि जो पूर्वी टीला है उस पूर्वी टीले में क्या है? बांध, बांध या तालाब। और बांध या तालाब कितने प्राप्त हुए हैं? 20। तो आपको याद रखना कि बांध के साक्ष्य या तालाब के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से। कितने तालाब की तालाब या बांध? 20 मिले हैं। और वहाँ से के दो नहरें निकालेंगे तो यहाँ से कितनी नहर? दो नहरों के साक्ष्य मिले हैं। नहरों के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। तो ये एक बात याद रखना, दो नहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से। इसके अलावा अब इसमें हम देखें तो कि ये दोनों लोग तो ये टीलों पे बैठ के देख लेंगे क्रिकेट मैच, ये लोग कैसे देखेंगे भाई साहब? इनको तो दिखाई नहीं देगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऊपर बड़ा सा सूचना पट लगा देंगे। क्या करेंगे? सूचना पट लगा देंगे। तो देखो इसके अलावा जो सफ़ेद होता है, कोई भाई सफ़ेद होता है या भाई होता है, बीरा यानी भाई, वो सुंदर लगता है। हर किसी को अपना भाई सुंदर लगता है, तो ये सुंदर नगर। अब क्या क्या याद रखना है? धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। कौन से तालुका में? भचाऊ तालुका में। खोज किसने की? जगपति जोशी ने। कब की? 1967-68 में। नदी कौन सी है? मनहर या मानसर नदी या नाले के संगम पर। उत्खनन करता रविंदर सिंह बिष्ट 91-92 में। क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? नगर तीन टीलों में बटा हुआ था। इसके अलावा सूचना पट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से। स्टेडियम खेल का स्टेडियम कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। इसके अलावा बांध के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से। नहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से। अच्छा, मध्यमा टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। सबसे सुंदर नगर सिंधु सभ्यता का कौन सा है? धोलावीरा है। और जल संग्रहण का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से, क्योंकि तालाब वगैरह में जल संग्रहण। और अच्छी जल प्रणाली कहाँ से प्राप्त हुई है? धोलावीरा से। तो ये प्रमुख स्थल थे। इनके अलावा अब कुछ जो छोटे छोटे स्थल है वो हम मैप में याद करेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।